हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इनक्रेडिबल आश्रम। मैं प्रेम सिंह, ज्योग्राफी लेक्चरर। आज हम आपके साथ बीए फर्स्ट ईयर कोटा यूनिवर्सिटी के ज्योग्राफी का सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो बीए फर्स्ट ईयर कोटा यूनिवर्सिटी में ज्योग्राफी की दो बुक्स हैं। पहला जो पेपर है वो है भौतिक भूगोल, और सेकंड जो पेपर है वो है पर्यावरण भूगोल। आज हम आपके साथ बीए फर्स्ट ईयर के भौतिक भूगोल जो फर्स्ट पेपर है उसके सिलेबस का डिस्कस करेंगे। इस पेपर को टोटल 5 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है, और इसका जो पहला सेक्शन है उसमें आपका फर्स्ट टॉपिक है सौर मंडल की उत्पत्ति एवं पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत। बेसिकली बहुत से भूगोलवेता हुए हैं जिन्होंने इस संदर्भ में अपने मत व्यक्त किए हैं, लेकिन आपके सिलेबस में जो 3 भूगोलवेता हैं वो हैं कांट, जेम्स जेन्स और ऑटो श्मिट। इनमें से जो इमैनुअल कांट हैं ये पहले भूगोलवेता थे जिन्होंने पृथ्वी और सौर मंडल की उत्पत्ति के संदर्भ में वैज्ञानिक सिद्धांत प्रस्तुत किया था, और इनका जो सिद्धांत है वो निहारिका परिकल्पना के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मिस्टर कांट ऐसे पहले दार्शनिक थे, भूगोलवेता थे जिन्होंने निहारी परिकल्पना के नाम से अपना सिद्धांत दिया, और इन्होंने बताया कि पूरे सौर मंडल की उत्पत्ति जो है एक भाव्य राशि से हुई, और यह पूरा सिद्धांत काल्पनिक था। उन्होंने मान लिया कि पूरे ब्रह्मांड में एक बड़ा आद्य पदार्थ से निर्मित गैसीय बादल था जिसके कणों में आपसी टकराव से गति और ऊष्मा उत्पन्न हुई, और ये भाव्य राशि लगातार गति करने लगी, और जैसे जैसे इसका तापमान बढ़ता गया इसके आकार का विस्तार होता चला गया। अब केंद्रीय बल के कारण इसके केंद्रीय भाग में उभार उत्पन्न हुआ, और उभार उत्पन्न होकर इसमें से 9 छल्ले जो बाद में हमारे ग्रह बने निकलकर बाहर आए, और शेष सारी भाव्य राशि या आद्य पदार्थ से निर्मित वो गैसीय जो बादल था वो सूर्य के रूप में परिवर्तित हो गया। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक है वो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इस टॉपिक में हम पृथ्वी की संरचना किन किन पदार्थों से हुई है, पृथ्वी का निर्माण कितनी परतों में हुआ है, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये माना जाता है कि हमारी जो पृथ्वी है जिसकी आकृति जियोड है ये कुल मिलाकर 3 मूल परतों से मिलकर बनी है। इसका आंतरिक भाग क्रोड कहलाता है, मध्य भाग मेंटल, और शीर्ष भाग जो ऊपरी परत है उसे हम भू प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। तीसरा जो टॉपिक है उसमें हम वैगनर का महाद्वीपीय
विस्थापन सिद्धांत के विषय में पढ़ेंगे। अल्फ्रेड वैगनर एक बेसिकली मौसमविद थे, जर्मनी के रहने वाले थे। इन्होंने 1912 में अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था और पहली बार पूरे विश्व को यह बताया था कि महाद्वीप हमेशा से एक साथ जुड़े हुए नहीं, अलग अलग नहीं थे, ये पहले जुड़े हुए थे और बाद में इनका प्रवाह हुआ और ये वर्तमान स्थिति में आए। चौथा जो टॉपिक है आपका वो इसी से संबंधित है, जिसे हम प्लेट विवर्तनी की निकी के नाम से जानते हैं। और इस सिद्धांत में पहली बार ये बताया गया कि पूरी पृथ्वी एक ठोस पिंड ना होकर अलग अलग प्लेटों से बनी हुई है। बेसिकली इस सिद्धांत में सुझाया गया है कि पूरी पृथ्वी का निर्माण 6 बड़ी और 20 छोटी प्लेटों से मिलकर हुआ है। 6 बड़ी मेजर प्लेट्स हैं और 20 छोटी प्लेट्स हैं जो इनके भ्रंशों और ब्लनों के बीच में स्थित है। उन सभी प्लेटों से मिलकर हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ है। ये सब हम प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत में पढ़ेंगे। इसके बाद जो अगला टॉपिक है आपका, उसे हम बोलते हैं भू संतुलन सिद्धांत। और इसमें हम प्रॉट और एरी के सिद्धांतों के विषय में पढ़ेंगे। इस सिद्धांत में मिस्टर प्रॉट और एरी जो भूगोल वेता है, उन्होंने यह डिस्क्रिप्शन दिया है कि पूरी पृथ्वी पर जो उच्चावच है, चाहे वो पठार हो, मैदान हो या पर्वत हो, वो सब किस प्रकार संतुलित हैं। उन्होंने भू संतुलन सिद्धांत दिया है, साथ ही बताया कि कोई चीज जितनी ऊंची होती है वही चीज पृथ्वी के गर्भ में उतनी ही गहरी होती है। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि हिमालय, जो कि पृथ्वी का सबसे ऊंचा भाग है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, तो प्राट की थ्योरी के अनुसार हिमालय जितना ऊंचा है इसकी गहराई भी उतनी ही अधिक है। इसीलिए ये क्या है, पृथ्वी पर संतुलित अवस्था में है। और लास्ट जो टॉपिक है फर्स्ट सेक्शन का, वो है पर्वत निर्माण। प्रक्रिया पृथ्वी पर निर्मित जो पर्वत हैं, इनका निर्माण किस प्रकार हुआ, और इसके संदर्भ में हम क्लोबर, डेली और होम्स के सिद्धांत हम इस सेक्शन में पढ़ेंगे। इसके बाद आपका जो सेकंड सेक्शन है वो पृथ्वी पर स्थित शैल, अनाच्छादन, मृदा निर्माण, भू संचलन, पटल विरूपण, भूकंप और ज्वालामुखी आदि टॉपिकों से संबंधित हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन मैं अभी आपको बता रहा हूं। देखिए आपको जो सेक्शन सेकंड है इसका फर्स्ट टॉपिक है शैल। शैल मीन्स चट्टान। इस सेक्शन में हम शैलों का अर्थ और इनका प्रकार इसके विषय में पढ़ेंगे। बेसिकली आपने 11th या 12th क्लास में पढ़ा होगा कि शैल जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, जिन्हें हम आग्नेय शैल, कायांत्रित शैल और अवसादी शैल के नाम से जानते हैं। आग्नेय शैल को प्राथमिक शैलें भी कहा जाता है।
क्यों कहा जाता है? क्योंकि आग्नेय शैल ही वे शैलें हैं जो सर्वप्रथम निर्मित हुई हैं। इन शैलों का निर्माण पृथ्वी के गर्भ से निकलने वाले लावा या मैग्मा के ठंडे होने से होता है, इसीलिए इन्हें आग्नेय शैल कहा जाता है। और आग्नेय शैलों से ही शेष दोनों प्रकार की शैलों का क्या होता है? निर्माण होता है। दूसरी जो शैलें हैं हमारी अवसादी शैलें, इन्हें सेकेंडरी या द्वितीयक शैलें भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका निर्माण आग्नेय शैलों के अपरदन से निर्मित पदार्थों के जमाव से होता है। आग्नेय शैलों का जब अपरदन होता है, चाहे वो जल के माध्यम से हो, पवनों के माध्यम से हो, वेदरिंग से हो, अपक्षय से हो, तो इनसे जो पदार्थ निर्मित होते हैं, ये पदार्थ जब किसी एक स्थान पर जमा होते रहते हैं तो पर्वत निर्माण प्रक्रिया द्वारा इनसे जिस शैलों का निर्माण होता है उन शैलों को द्वितीयक शैल के नाम से जाना जाता है। तीसरी जो शैलों का प्रकार है कायांतरित शैलें, इन शैलों का निर्माण ऊष्मा और दाब प्रक्रिया के द्वारा होता है। सेकंड सेक्शन में जो दूसरा टॉपिक है आप लोगों का वो है अनाच्छादन। अनाच्छादन पृथ्वी पर संपन्न होने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उच्चावच और निम्नावचों का संतुलीकरण होता है या समतलीकरण होता है। अनाच्छादन में दो प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं, एक तो है अपरदन और दूसरी है अपक्षय। अपरदन का अर्थ, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि अपरदन का अर्थ होता है कटाव होना, जल के माध्यम से, समुद्री लहरों के माध्यम से, पवनों के माध्यम से जब शैलें कटती हैं और उनसे निकलने वाले पदार्थ दूर बहकर चले जाते हैं तो उस प्रक्रिया को अपरदन कहा जाता है। और इस प्रक्रिया से पटल पर या भूप्रपटी पर मैदानी भागों में, पहाड़ों में, पठारों में कई प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है जिन्हें अपरदनात्मक स्थलाकृतियां और निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां कहा जाता है। जबकि अपक्षय वह प्रक्रिया है जिसमें मौसमी कारकों से, ऊष्मा से, ताप से, दबाव के कारण या रासायनिक प्रक्रिया के कारण शैलों का विखंडन एक ही स्थान पर हो जाता है। और ये दोनों चीज़ें हम सेक्शन सेकंड के दूसरे टॉपिक जो है आपका अनाच्छादन उसके अंतर्गत पढ़ेंगे। तीसरा जो टॉपिक है इसका वो है भूसंचलन। इसके अंतर्गत हम भ्रंश और बलन के विषय में पढ़ेंगे। भ्रंश दरार होती हैं, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट सेक्शन में बताया था प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत के अंतर्गत कि पूरी पृथ्वी का निर्माण 6 बड़ी प्लेटों और 20 छोटी प्लेटों से हुआ है। ये प्लेटें लगातार गतिशील रहती हैं जिसके कारण पृथ्वी पर भ्रंश का निर्माण होता है। और जब दो प्लेटें एक दूसरे की ओर खिसकती हैं तो उनके बीच स्थित अवसादों में दबाव के कारण बल पड़ जाते हैं जिसे वलन कहा जाता है। और इस प्रक्रिया में घाटियों और पर्वतों का निर्माण होता है। अगले टॉपिक जो है इसका, इस सेक्शन का, वो है भूकंप। तो आप सभी जानते होंगे भूकंप क्या है। जब भी पृथ्वी का ऊपरी धरातल या ऊपरी परत में कंपन उत्पन्न होती है
तो उसे भूकंप कहा जाता है। और भूकंप में प्राय तीन प्रकार की तरंगे उत्पन्न होती हैं, जिन्हें प्राथमिक तरंगे, द्वितीयक तरंगे और एल तरंग के नाम से जाना जाता है। और इस सेक्शन की जो लास्ट टॉपिक है वो है ज्वालामुखी क्रिया। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि पृथ्वी तीन परतों से मिलकर बनी हुई है। पहली परत जो है वो भूप्रपटी, दूसरी मेंटल और तीसरी क्रोड कहलाती है। इन तीनों परतों में जो मध्य की परत है इसमें चट्टाने पिघली हुई अवस्था में हैं, और ये पिघली हुई अवस्था में जो चट्टाने हैं वो मैग्मा कहलाती हैं। और यह मैग्मा जब कभी भूप्रपटी या पृथ्वी की ऊपरी परत को तोड़कर बाहर निकल आती हैं तो इस प्रक्रिया को ज्वालामुखी क्रिया के नाम से जाना जाता है। ज्वालामुखी कई प्रकार के होते हैं जिनका अध्ययन हम इस टॉपिक के अंतर्गत करेंगे। इसके बाद आपकी जो थर्ड इकाई है या थर्ड सेक्शन है इसमें हम अपरदन चक्र और स्थलाकृति आदि का अध्ययन करेंगे। सेक्शन थर्ड, इसमें फर्स्ट टॉपिक है आपका अपरदन चक्र। और इस संबंध में दो भूगोल वेता हैं जिन्होंने अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं, एक तो है डेविस और दूसरे हैं पैंक। तो ये जो टॉपिक है अपरदन चक्र, इसमें हम पढ़ेंगे कि पृथ्वी के धरातल पर किस प्रकार उच्चावचों का निर्माण होता है और इन उच्चावचों के अपरदन से अपरदन होकर किस प्रकार इनका समतलीकरण होता है, और ये समतलीकरण हो जाने के बाद ये जो अपसाद एकत्रित होते हैं इनमें बलन प्रक्रिया द्वारा फिर से उच्चावचों का निर्माण होता है, और यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है जिसे अपरदन चक्र के नाम से जाना जाता है। जिस प्रकार हम कह सकते हैं कि आपने नाम सुना होगा अरावली पर्वत, ऐसा माना जाता है कि जब इस पर्वत का निर्माण हुआ तो इस पर्वत की ऊंचाई जो थी वो हिमालय से भी ज़्यादा थी, लेकिन अपरदन के कारक जैसे पवन है, नदियां हैं, वेदरिंग है, उनके कारण यह पर्वत लगातार घिसता रहा, कटता रहा और अब मात्र अवशिष्ट पर्वत के रूप में हमारे समक्ष है। और इससे जो भी अवसाद निकल कर आए उन अवसादों से मैदानों और पठारों का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। इसके अलावा इस सेक्शन में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नदीकृत स्थलाकृति, अर्थात नदियों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। आप सभी जानते हैं कि नदी क्या होती है, नदी पृथ्वी पर उपस्थित एक वह कारक है जो ढलान से नीचे की ओर जल का प्रवाह करती है एक निश्चित दिशा में, और जब ये ऊपर से पर्वतों से पानी लेकर मैदानों की तरफ या महासागरों की तरफ जाती है तो अपने रास्ते में आने वाले पदार्थों, मैदानों, चट्टानों, पठारों, इनका कटाव करते हुए चलती है। तो इसके कटाव करने से कई प्रकार की स्थलाकृतियां जैसे वी आकार की घाटी, नदी विसर्ग, नदी वेदिका, क्षिप्रिकाएं, जलप्रपात आदि का निर्माण करती हैं, और इनसे जो अवसाद
बहाकर ये आगे ले जाती हैं, उनसे नदियां निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां जैसे डेल्टा, तटबंध, जलोढ़ शंकु, आदि का ये क्या करती हैं, निर्माण करती हैं, जिनके विषय में हम इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है कास्ट स्थलाकृति। यहाँ पर जो ये कास्ट शब्द आया है ये चूना प्रदेशों के लिए आया है। तो जब चूना प्रदेशों में जल बरसता है तो चूने की चट्टानों में के साथ अभिक्रिया करके उसे अपने साथ घोल कर कई प्रकार की अपरदनात्मक और निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों का निर्माण करता है, जिनके विषय में हम इसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे। इसके बाद है हिमानी कृत स्थलाकृतियां। यहाँ पर हिमानी का अर्थ है हिम अर्थात बर्फ की नदी। और जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी पर जितने भी ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं वहाँ पर बहुत सारी बर्फ ग्लेशियरों के रूप में जमा रहती हैं और ये बर्फ निरंतर संचलन करती है और इनके मार्ग में आने वाले पर्वतीय भागों का ये अपरदन करती है, जिससे स्थलाकृतियों का निर्माण होता है और इन स्थलाकृतियों को ही हिमानीकृत स्थलाकृति कहा जाता है। इसके बाद अगला टॉपिक है पवनकृत स्थलाकृति। जैसा कि बच्चों आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि पवने उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर प्रवाहित होती हैं और दाब प्रवणता जितनी अधिक होती है पवनों का वेग उतना ही अधिक होता है। और जब पवनें तीव्र वेग से प्रवाहित होती हैं तो वो अपने मार्ग में आने वाले मैदान, पठार और पहाड़ों का अपरदन करती है, जिससे निर्मित होने वाली स्थलाकृतियां पवनकृत स्थलाकृतियों के नाम से जानी जाती हैं और इनसे भी अपरदनात्मक और निक्षेपणात्मक दोनों ही प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, जिन्हें हम आगे पढ़ेंगे। और इस सेक्शन का जो लास्ट टॉपिक है वो है तटीय स्थलाकृतियां। कौन सी? तटीय स्थलाकृतियां। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी के 79% भाग पर महासागर हैं और ये महासागर चारों तरफ से महाद्वीपों को घेरे हुए हैं और जहां पर तट बनते हैं महासागरों में जो संचलन होता है तो लहरें या महासागरीय जल लहरों के रूप में तटों से आकर टकराता है और तटों पर अपरदनात्मक और निक्षेपणात्मक कार्य करता है, जिनसे निर्मित होने वाली स्थलाकृतियां तटीय स्थलाकृतियों के रूप में जानी जाती हैं। इसके बाद कोटा यूनिवर्सिटी के बीए फर्स्ट ईयर का जो चौथा सेक्शन है वो हमारे वायुमंडल से संबंधित है, जिसके अंतर्गत हम वायुमंडल के संगठन, संरचना सेक्शन 4 और इसमें आपका पहला टॉपिक है वायुमंडल का संगठन और स्थिरीकरण। इस टॉपिक के अंतर्गत हम वायुमंडल का संगठन कैसा है, कितने स्तरों में बना है, किस किस चीज से बना है, इसके बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली हम सभी जानते हैं कि वायुमंडल की 5 परतें हैं, इनमें से प्रथम 3 परतें जो हैं वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं।
और इनमें से सबसे महत्वपूर्ण परत जो है वो है क्षोभ मंडल, जिसमें पृथ्वी से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण क्रियाएं संपन्न होती हैं, जैसे बादलों का बनना, पवनों का चलना, बरसात होना, ओलावृष्टि होना, सारा का सारा इस मंडल में संपन्न होता है और ये सब कुछ हम इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। दूसरा जो टॉपिक है इस सेक्शन का वो है सूर्य तप और ऊष्मा बजट। हम सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर ऊर्जा का जो सबसे बड़ा सोर्स है वो सूर्य है और सूर्य से पृथ्वी पर आने वाले ताप को ही सूर्य तप के नाम से जाना जाता है। लेकिन हम यदि यह भी जानते हैं कि यदि यह सूर्य तप निरंतर पृथ्वी पर आता रहे तो पृथ्वी पिघल जाएगी, संभव है, लेकिन ऐसा नहीं होता। पृथ्वी जितना ताप सूर्य से ग्रहण करती है उतना ही ताप पार्थिव विकिरणों के रूप में, सूर्य से प्राप्त होने वाला सूर्य तप और पृथ्वी से निकलने वाला ताप पार्थिव विकिरण, के रूप में वापस अंतरिक्ष में छोड़ देती है, जिससे पृथ्वी का ऊष्मा बजट या यूं कहो कि पृथ्वी का तापमान संतुलित रहता है। और इस विषय में हम इस टॉपिक के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। अगला टॉपिक जो है वो है तापमान। तापमान क्या है? तापमान किसी भी वस्तु के डिग्री में माप को तापमान कहते हैं और इस टॉपिक के अंदर तापमान का अर्थ और इसे प्रभावित करने वाले कारक कारक आदि का अध्ययन हम यहां पर करेंगे। अगला टॉपिक है आपका इस सेक्शन का वायुदाब और पवने। जैसा मैंने कुछ समय पहले बताया था कि पवने जो हैं वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होती हैं और इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि वायुदाब है क्या। हम सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी के चारों तरफ एक गैसीय आवरण है, इस गैसीय आवरण को ही वायुमंडल कहते हैं और वायुमंडल का जो दाब पृथ्वी के धरातल पर पड़ता है उसे ही वायुदाब कहते हैं और वायुदाब की भिन्नता से ही पवनों की उत्पत्ति होती है जो सदैव उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। जैसे आप सभी भारत में रहते हैं और हम जानते हैं कि मानसून के समय हमारे देश में पवने हिंद महासागर से भारत की ओर चलने लगती है, जिसका विशेष कारण क्या है कि मानसून यानी कि मई जून के समय, जून जुलाई में सूर्य जो होता है वो कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, जिसके कारण उत्तर भारत में गर्मियां बहुत ज़्यादा होती है और अधिक गर्मी होने के कारण उत्तर भारत में न्यून या निम्न वायुदाब का केंद्र बनता है। इसके विपरीत हिंद महासागर में तापमान कम होने के कारण उच्च वायुदाब बनता है और पवने हिंद महासागर से भारत की ओर चलने लगती है और यह सभी हम वायुदाब और पवने जो टॉपिक है, प्रकरण है आपका, इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। इसके बाद अगला टॉपिक जो है आपका वो है जेट स्ट्रीम, जिसका सीधा संबंध मानसून से है। अभी तक जैसे कि सभी लोग जानते थे या मानते हैं कि मानसून जो है वो ऐसी पवने हैं जो 6 महीने सागर से धरातल की ओर चलती हैं और 6 महीने धरातल से सागर की ओर चलती हैं। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के समय यह ज्ञात हुआ कि हिमालय के ऊपर एक ऐसी वायु राशि है जो पश्चिम से पूर्व की ओर लगातार गति करती रहती हैं और इन्हें ही जेट स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है, जो मानसून को हिंद महासागर से भारतीय उपमहाद्वीप की ओर आकर्षित करती हैं।
इसके बाद अगला टॉपिक है जो है आपका वो है वायु राशियां। इसके अंतर्गत हम विभिन्न स्वभाव वाली वायु राशियों या वायु का अध्ययन करेंगे। बेसिकली वायु राशियों से तात्पर्य वायु की एक ऐसी संहिति से होता है जिसका स्वभाव एक जैसा रहता है, या यूं कह सकते हो कि एक समान गुण वाली वायु संहिति को वायु राशि कहा जाता है, जिसका तापमान आर्द्रता संबंधी गुण जो होते हैं वो एक समान होते हैं, और इनका अध्ययन हम इसके अंतर्गत करेंगे। नेक्स्ट जो है इसका वो है चक्रवात, और अंतिम टॉपिक जो है वो है जलवायु का वर्गीकरण। तो ये सभी टॉपिक थे आपके सेक्शन 4 के। लास्ट जो सेक्शन है आपका कोटा यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर का वो है महासागरों से संबंधित। इसके अंतर्गत हम महासागर नित्तल यानी महासागर की जो तली है उसके उच्चावच, महासागरीय जल की गतियां, महासागरीय धाराएं, महासागरीय निक्षेप और प्रवाल भित्तियों का अध्ययन हम इस टॉपिक में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।